नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहडोल जिले में चोरों को पुलिस का खौफ नहीं है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि SECL परिक्षेत्र में कबाड़ चोरी करने गए चोरों ने दहशत फैलाने की नीयत से SECL परिक्षेत्र में CISF के जवानों के सामने विस्फोटक पदार्थ फेंक दिया। सुरक्षा में तैनात जवान बाल बाल बच गए। CISF के जवानों की शिकायत पर विस्फोटक पदार्थ फेंकने वाले दो बदमाशों को धनपुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी हाल ही में कबाड़ चोरी के दौरान बंद कोयला खदान में 7 कबाड़ लोगों की मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर SECL क्षेत्र में कबाड़ चोर धावा बोलकर विस्फोटक सामग्री फेंक दहशत फैला रहे हैं और कबाड़ चोरी के दौरान जो भी बाधक बनते हैं उन पर हमला कर देते हैं। पहले करीब SISF के कंपनी कमांडर द्वारा एक पत्र के माध्यम से थाना को सूचना दी गई थी। दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक काले रंग की मोटरसाइकिल में आकर ड्यूटीरत कर्मचारी के सामने पटाखा बम के माध्यम से विस्फोट कर गुंडागर्दी एवं कराने का प्रयास किया गया, जिस पर उनकी रिपोर्ट पर दो अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला कायम किया गया था, जिस पर तत्काल टीम बनाकर अज्ञात आरोपियों की पता रसी कर दो आरोपी जो इस घटना में इन्वॉल्व थे, आरोपी अमित पासी और ताजिम खान को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। शहडोल से केकेआर न्यूज़ के लिए इरफान खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें केकेआर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।